एक और राज तिलक होने जा रहा है, आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह कि नई सरकार की संभावित मंत्रियों की जो सूची है वो आ चुकी है, वो सूची आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नई सरकार की संभावित मंत्रियों की सूची आ चुकी है। आलोक मेहता, अवध बिहारी बन सकते हैं मंत्री, तेज प्रताप यादव, ललित यादव, अनीता देवी मंत्री बनेंगे, निहालुद्दीन, भूदेव चौधरी, श्याम रजक मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, सुनील कुमार मंत्री बनेंगे, लेशी सिंह, जमा खान, राजेश मंत्री बनेंगे, अफाक अहमद, मदन मोहन झा, संतोष मांझी, सुमित सिंह मंत्री बनेंगे। विजय चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष बनने की पूरी उम्मीद है, ऐसी चर्चा की जा रही है कि स्पीकर तो विजय चौधरी बनेंगे। आपको बता दें पिछली सरकार में वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इस बार वो स्पीकर बनेंगे, यानी जो मौजूदा स्पीकर आपको बता दें विजय कुमार सिन्हा है, उनकी जगह लेंगे विजय चौधरी। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो खबर ये है कि जो मंत्री हैं उनके नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, संतोष मांझी, सुमित सिंह मंत्री बनेंगे, इसके अलावा तेजस्वी यादव भी मंत्री बनेंगे। विजय चौधरी के स्पीकर बनने की चर्चा तेज हो चुकी है। लेसी सिंह, जमा खान, राजेश मंत्री बनेंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आफाक अहमद, मदन मोहन भी मंत्री बनेंगे। तो लगातार